Assalamu alaikum dosto, welcome to my channel. How are you? I hope you are fine. Dosto, aaj is video mein hum baat karte hain ki declaration letter kya hota hai aur kaise banana hota hai, iska kya purpose hai, to is wale se hum baat karte hain. Declaration letter jo hota hai wo aapko parents ki taraf se, company ki taraf se, spouse ki taraf se, friends ki taraf se मिला जा सकता है, जो आपके खर्चे की जिम्मेदारी उठा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं अब्रॉड, तो लिहाजा मैं इसके खर्चे की इसकी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ. वो अपनी स्टेटमेंट लगा सकता है, अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकता है और फर्दर मोर जो वो लगा सकता है वो लगा सकता है साथ में. तो लिहाजा स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेशन लेटर. ये फैमिलीज के लिए है जो फादर अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा है इसमें, उसके ट्रैवल के लिए, उसकी फैमिली को साथ में. द नेदरलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान, सब्जेक्ट आ जाता है स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर सन नेम, यहाँ पे मेंशन करना है आपने एंड फैमिली. ठीक है, ऑनरेबल सर, आई अंडरटेक दैट आई, यहाँ पे फादर का नाम आएगा जो आपको सपोर्ट कर रहा है. Having citizen number, उसका नंबर आ जाएगा फादर का, residence of, house number, blah blah blah, cities or country mention कीजिए, if business or employment उसके वाले से describe कीजिए अगर है. ठीक है, business है तो business का करें, employment employment करें. तो लिहाजा मैंने आगे बताया है कि जो बंदा है उसका partnership है, business है बेटे के साथ, so वो बता रहा है I am the managing as a partner, company name mention कीजिए यहाँ पे, with my son we are running our family business on fabric industry from several years. My son, यहाँ पे son name आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप mention कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो my son, no problem. यहाँ पे son name आ जाएगा, passport number आ जाएगा son का, और address आ जाएगा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, wherever. All right. He is shareholder, मतलब के in our firm, मतलब कि इसके साथ इसने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए, अपने जो भी पैसे हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए इस कंपनी के साथ, और इसके शेयर हैं अपने फादर के साथ. सो ही ये बता रहा है कि ही फादर बता रहा है कि ही इज़ विजिटिंग टू नेदरलैंड्स विद हिज फैमिली एज पर्पस ऑफ ट्रैवल इज प्योरली टूरिज्म एंड दे आर ट्रैवलिंग फ्राम 25 जून 2019 टू 2 जुलाई 2019. हिज फैमिली डिटेल्स आर मेंशन लो. सो दोस्तों, ये यहाँ पे नाम, पासपोर्ट और रिलेशन. यहाँ पे नाम किसका आएगा, वाइफ का, अगर डॉटर्स है तो डॉटर्स का, सन्स, जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके हवाले से यहाँ पे रिलेशन मेंशन कीजिए, क्या क्या रिलेशन है, और उनके पासपोर्ट नंबर यहाँ पर, दैट्स ऑल. नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ ट्रैवल इज रिक्रिएशन, मतलब के रिलैक्सेशन, और कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अपनी फीलिंग का इजहार कर सकते हैं कि क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इनका पर्पस क्या है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं जिसको आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं. ठीक है, नेदरलैंड, यूरोप की कोई भी कंट्री आप मैंशन कर सकते हैं उस हवाले से. आई एंड सन नेम, मतलब के आई फादर हो गए, एंड सन नेम मैंशन कीजिए. Having a joint account, अगर वो joint account है वो joint account बताएं, नहीं तो कुछ भी आप mention कर सकते हैं, लिहाजा जो है. ठीक है, अगर company तो company तो कुछ और ही बताएगी, वो letter भी मैं आपको किसी दिन upload कर दूंगा. So I, यहाँ पे आ जाएगा father name, being a father of son name यहाँ पे आ जाएगा, take a fully responsibility of him and his family to come back to their homeland country after this visit, and also will responsible to bear the expenses. All information and documents provided may be verified, and we trust you will find everything in order. For queries and clarification, please feel free to contact us anytime. योर सिंसियरली फादर नेम मैंशन कीजिए, फादर का सेल फोन नंबर मैंशन कीजिए, डेट ऑफ बर्थ मैंशन, ई मेल एड्रेस भी मैंशन कर सकते हैं. तो दोस्तों, ये था डिक्लेरेशन लेटर. ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है कि ये इसी तरह
बनता है, कंपनी की तरफ से भी हो सकता है, स्पॉस की तरफ से भी हो सकता है, और फ्रेंड्स की तरफ से भी हो सकता है, पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है, मतलब कि वो आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, या आप सिंगल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, या आपके स्टडी पर्पज के वाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। सो ये था फैमिली का, ठीक है, जो फैमिली पूरी ट्रैवल करने जा रही है, तो ये उसके लिए था। तो लिहाजा मेरी इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आपके सो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर दूंगा। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो वो भी आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।